के सरकारी अस्पताल शंकर राव चौहान अस्पताल के सामने जो खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये नांदेड़ का जो सरकारी अस्पताल है, जो कि कल यहाँ पर शंकर राव चौहान अस्पताल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। आज 24 ही नहीं बल्कि और मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। आज 31 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि यह दवा जो अस्पताल में आपूर्ति होने के कारण या फिर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इन लोगों की मौत हुई। और इन मौतों पर कैसे सियासत हो रही है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। अशोक चौहान जी ने इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए, वो वहां के लोक प्रतिनिधि है, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे डॉक्टर लोगों का प्रत्येक मृत्यु की हम जांच करेंगे। या महाराष्ट्र सरकार ने या बालकांचा मला शब्द खरं तर वापरताना माझ्या मनातही वाईट वाटतंय मला, पण ह्या सगळ्या 24 जे मृत्यू झाले त्याला हे ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार जबाबदार आहे। खरं तर ती 24 कुणाची तरी मुलं होती आणि ती जबाबदारी या सरकारने घेतली पाहिजे आणि मी या ट्रिपल इंजन सरकारचा जाहीर निषेध करते। मुस्तफा शेख हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, आप देखिए इस पर सियासत हो रही है और मंत्री साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि आखिरी समय में लोग अस्पताल पहुंचते हैं, तो अस्पताल पहुंचने का सही समय भी वो बता देते। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। कल आप जब देखें जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है उनके जो इंटरव्यू सामने आए हैं, उस बात में उन्होंने ये साफ माना है कि मेडिसिन की शॉर्टेज थी। यही नहीं, मेडिसिन खरीदने के लिए जो फंड्स लगते हैं उन फंड्स की भी तकलीफ थी, और साथ ही साथ ये भी सामने आया कि जो नर्सेज हैं वहाँ हॉस्पिटल में, उन नर्सेज को ट्रांसफ़र किया गया लेकिन उनकी जगहों पर उस हॉस्पिटल में दूसरी नर्सेज नहीं आई, यानी कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की भी उन्होंने बात की। उसके बाद आज के दिन जब 7 मौतें और हो चुकी हैं, उसके बाद सरकार आकर आपके अपनी जो साइड है वो रख रही है और कहीं ना कहीं ये कह रही है कि पेशेंट ज़्यादा एडमिट होने की वजह से ये जो मौतों का आंकड़ा है ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे स्टेट में जहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं वहाँ पर हाफकिन इंस्टीट्यूट से जो मेडिसिन प्रोक्योरमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बंद किया है, इसकी वजह से मेडिसिन की दिक्कत पेश आ रही है। और थाने में ऐसा हादसा हुआ था जब कई लोग एक दिन में मरे थे, उसके बाद अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट वहां पर सबमिट नहीं हुई है। उसके बाद नांदेड़ में ऐसा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि औरंगाबाद में भी एक हॉस्पिटल है घाटी हॉस्पिटल, वहां पर भी 8 लोगों की मृत्यु 24 घंटों में हुई है। तो ये सारे आप चीज़ें कह सकते हैं कि एक सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा करती है। वो सिस्टमिक फेलियर क्यों हुआ ये आइडेंटिफाई करने का काम सरकार का है और ऐसा आगे ना हो और एक्शन लिया जाए, ये सरकार से मांग अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की, जहां पर जारी एनकाउंटर की राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कालाकोट के जंगल में 2 से 3 आतंकी इस वक्त घिरे हुए हैं। बीती रात सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई, जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और आतंकियों की तलाशी का अभियान तेज कर दिया गया है। घने जंगल है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और ये आतंकी कहां छिपे हैं वो तलाश किया जा रहा है।
फाइनल अटैक के लिए तैयार बैठे हैं जवान। दहशतगर्दों ने जरा भी हिमाकत की तो खैर नहीं, पेड़ों की आड़ में पोजीशन लिए जवान बैठे। जंगल से गुजरने वाली सड़कों की भी सख्त निगरानी हो रही। इलाके में पसरा हुआ सन्नाटा सेना की गाड़ियों की आवाजाही से टूट रहा है। ये सारी कवायद चल रही है 2-3 आतंकवादियों की तलाश में। दरअसल 1 अक्टूबर को मुखबिर से राजौर के कालाकोट इलाके में आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना मिली थी। उसी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान एक्शन में आ गए। बताया जा रहा है कि ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से कालाकोट के घने जंगलों में आतंकवादियों को ढूंढ लिया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। लगातार सुबह से फायरिंग चल रही है। वैसे तो नफरी तो परसों से रात से ही लगी है, आज समझो 48-72 घंटे होने जा रहे हैं। तो रात को ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, उसमें हमने जो आवाज़ें सुनी है वो तो मोटे मोटार जैसे ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर वगैरह फटता है, इस तरह से बड़ी आवाज़ें भी आई। तो रात भर फायर चलता रहा, लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है क्योंकि पूरा गांव रात को सहमा रहा। और कल भी दिन को हमारे तकरीबन आर्मी ने पूरी तरह से नाकाबंदी की हुई थी, लोग घरों के अंदर ही रहे हैं और किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया है। इलाका घना है, आतंकवादियों का सटीक सुराग नहीं है, ऐसे में ऑपरेशन मुश्किल हो चला है। और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यहां पर गोलीबारी होती है और भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है कल देर रात को। फिर मध्य रात्रि के बाद कुछ समय तक फायरिंग जो है बंद हो गई, लेकिन आज सुबह जैसे ही सूरज निकला एक बार फिर से यहां पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी और अभी भी यहां पर रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये एक भीषण मुठभेड़ यहां पर चल रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में। चूंकि इस क्षेत्र का भूगोल ऐसा है कि काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा है, ऊंचे पहाड़ हैं और इस तरह के क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। कालाकोट एनकाउंटर ने पिछले महीने अनंतनाग के गढ़ूल में हुए एनकाउंटर की याद दिला दी है। कोकेरनाग में वो एनकाउंटर पूरे हफ्ते भर चला था। उस एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हुए थे। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक। सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, अभी क्या कोई सफलता मिल पाई? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि जंगल के इलाके से रुक रुक कर जो है गोलीबारी की आवाज आ रही है और इस समय भी हम बिल्कुल जो कॉर्डन लगाया है यहाँ सुरक्षा बलों ने उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल जो जंगल का जो भीतर का इलाका है वहाँ मुठभेड़ चल रही है और ये जंगल के बाहर के क्षेत्र में ये कॉर्डन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है वो भी यहाँ पर तैनात है, CRPF के जवान हैं और साथ ही में भारतीय सेना के भी जवान यहाँ पर तैनात है। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर किसी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यही बात सामने आ रही है कि अधिकतम अगर आतंकवादी वहां होंगे तो 3 होंगे। तो फिलहाल यही बात सामने आ रही है कि 2 से 3 ही होंगे आतंकी, लेकिन फिलहाल गहन तलाशी अभियान चल रहा है और तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही जो है किसी बात की पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल सुरक्षा बल जो है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि ये काफी घना जंगल का इलाका है। मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि आपको इस पूरे क्षेत्र की तस्वीरें दिखाएं, ये घना जंगल है और ऊंचे पहाड़ हैं। तो इन परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, काफी जटिल कार्य हो जाता है। तो इस समय भी सुरक्षा बल जो है पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको अपडेट दूं कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जम्मू संभाग के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं मुकेश सिंह, वो जम्मू से आए हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और जहां पर मुठभेड़ चल रही है, जहां पर कंट्रोल रूम यहाँ सुरक्षा बलों ने बनाया है वहां पर वो मौजूद है और पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। अभी फिलहाल किसी चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सुरक्षा बलों को कोई सफलता मिली है अभी या नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल अपडेट ग्राउंड जीरो से यही है कि आला अधिकारी यहां पर भारतीय सेना के मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूद हैं और सुरक्षा बलों की प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर कर दिया जाए।
क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है अभी हाल फिलहाल के महीनों में आतंकवाद ग्रस्त हो चुका है। दोबारा आतंकवाद अपना सिर एक बार फिर से इस क्षेत्र में उठाने की कोशिश कर रहा है और प्राथमिकता यही है कि जो आतंक का सिर है उसको कुचला जाए। अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में ये पूरा क्षेत्र जो है आतंकवाद से काफी ज्यादा प्रभावित था, लेकिन सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों के बाद ये आतंकवाद मुक्त हो गया। अब एक बार फिर यहाँ पर आतंकवाद जो है दोबारा शुरू हो रहा है और पाकिस्तान बौखलाहट में है और वो चाहता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आतंकवाद दोबारा शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद निरोधक अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो एक रणनीति में बदलाव लाया है आतंकवादियों ने और हमने भी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है सुरक्षा बलों ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात जरा दिल्ली में टीएमसी के प्रोटेस्ट की भी करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड रोक लिया है और इसी फंड को जारी करने का दबाव बनाने के लिए टीएमसी ने कल राजघाट पर धरना दिया और आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी है। आज तक ने पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांडे से इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। तृणमूल कांग्रेस मनरेगा के फंड्स को लेकर पहले पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रही थी तो अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट पे 2 अक्टूबर को आंदोलन हुआ, आज जंतर मंतर पे आंदोलन होने वाला है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री व टीएमसी की स्पोक्स पर्सन शशि पांजा हैं। मैम, दिल्ली आ गई हैं आप लोग, लगातार विरोध प्रदर्शन बंगाल में कर रही थी, क्यों दिल्ली तक ये लड़ाई लेके आनी पड़ी आप लोगों को? बंगाल में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, बंगाल में 69 टीम्स आए थे जांच करने के लिए मनरेगा और आवास योजना के लिए, करीब अनदर 48-49 टीम्स। तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं मिली, तो आपको जब गड़बड़ नहीं मिली तो आप पैसा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और ये नए आर्थिक वर्ष में 23-24 में भी बंगाल के लिए, केवल मात्र बंगाल के लिए, सारे भारतवर्ष में सिर्फ बंगाल में फंड्स रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य जो है बहुत साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। तो बंगाल से जब प्रतिवाद चल रही थी, ममता बनर्जी चिट्ठियां लिख रही हैं मंत्री